सर मैं किस प्रोफाइल में कैरियर बनाऊं कि वहां पर मुझे अच्छी सैलरी मिले। हर किसी को सैलरी बहुत प्यारी होती है, कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आप एट द लास्ट जॉब करते हो सर्वाइव, अच्छा सर्वाइवल के लिए, अच्छी कंडीशंस के लिए, राइट। तो किस प्रोफाइल के लिए जॉब करूं कि क्या सैलरी मिल सकती है वो भी हम लोग देखेंगे, चाहे साइट के लिए, चाहे बीआईएम के लिए, चाहे स्ट्रक्चर के लिए, चाहे पीईवी के लिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे गाइस कौन कौन सी बेस्ट कंपनीज हैं उस प्रोफाइल के अंदर, कैसे पता चलेगा, उन कंपनीज की लिस्ट कैसे मिल जाए हमें वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एग्जैक्ट किस लोकेशन पर क्या सैलरी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस कैसे हो दोस्तों, मैं हूं कस्टमर, आप देख रहे हैं स्पेशल फिनिक। गाइस आप में से बहुत से बच्चे जो मेरे से पूछते हैं कि सर मैं किस प्रोफाइल में करियर बनाऊं कि वहां पर मुझे अच्छी सैलरी मिले। हर किसी को सैलरी बहुत प्यारी होती है, कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आप एट द लास्ट जॉब करते हो सर्वाइव, अच्छा सर्वाइवल के लिए, अच्छी कंडीशंस के लिए, राइट। तो किस प्रोफाइल के लिए जॉब करूं कि क्या सैलरी मिल सकती है वो भी हम लोग देखेंगे, चाहे साइट के लिए, चाहे बीआईएम के लिए, चाहे स्ट्रक्चर के लिए, चाहे पीईवी के लिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे गाइस कौन कौन सी बेस्ट कंपनीज हैं उस प्रोफाइल के अंदर, कैसे पता चलेगा, उन कंपनीज की लिस्ट कैसे मिल जाए हमें वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एग्जैक्ट किस लोकेशन पर क्या सैलरी होगी, गाइस लोकेशन वाइज सैलरी डिफर करती है, इस चीज को याद रखिएगा, जैसे सिटी वैसा। क्योंकि कई लोग पूछते हैं सर मैं बैंगलोर में जॉब करूँ कि हैदराबाद में करूँ कि पुणे में करूँ कि गुड़गांव में करूँ या दिल्ली में करूँ या फिर कहीं और करूँ। तो देखिए हर जगह की एक एवरेज सैलरी अलग अलग होती है, फिर हाल कंपनी वाइज भी थोड़ा थोड़ा सैलरी डिफर करता है, बट यहाँ हम बात करेंगे ऑन एन एवरेज की। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कौन कौन से प्रोफाइल में क्या क्या ऑन एन एवरेज सैलरी मिल सकती है। तो उसके लिए गाइस हम लोग सैलरी तो डिस्कस करेंगे ही, सैलरी कंपैरिजन के साथ साथ बेस्ट कंपनीज देखेंगे और किस लोकेशन के लिए क्या सैलरी मिल सकती है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम आपको एग्जैक्ट दिखाते हैं, एग्जैक्ट इन द सेंस कि आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर देख लीजिए ये प्रोफाइल पर ये जॉब मिल रही है, मतलब आप खुद से कंपेरिजन कर सके। मैं अपने कंपेरिजन को नहीं यहाँ पर एड करना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप प्रूफ देखें कि हाँ यार यहाँ पर ये सैलरी हमें मिल रही है। ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइट इंजीनियर के लिए, ठीक है। अब साइट इंजीनियर के लिए एवरेज सैलरी क्या है गाइस, वो एवरेज सैलरी है यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा 3.6 एक एवरेज सैलरी है साइट इंजीनियर के लिए ये, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या सबको 3.6 मिलता है, नहीं दोस्त, ये देखो इससे इसके बीच में आपको एग्जैक्ट आप घर पे ले जाने के लिए आप एलिजिबल है, लगभग किसी को 21 मिल सकता है, किसी को 20 भी, किसी को 23 भी, किसी के बाद भी, बट ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि आपको 3.6 का सीटीसी होगा। ये सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी है, जिसमें आपका कई चीजें कटेंगी, जैसे कि आपका इंश्योरेंस का कटेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का कटेगा, हो सकता है कंपनी के लिए कुछ और भी नॉर्म्स रहते हैं जैसे कि फैसिलिटीज के करते हैं, जैसे कि होम के करते हैं, इस तरीके से सीटीसी जो रहेंगे सीटीसी में से आपको लगभग इतना घर ले जाने के लिए मिलेगा। ऑन एन एवरेज की बात हो रही है। अब इसमें क्या है, ये भी याद रखिए कि लोएस्ट हो सकता है 1.5 भी, ठीक, और हाईएस्ट हो सकता है 5.5 भी। ये किसकी सैलरी है गाइस, एक साइट इंजीनियर की सैलरी है। अब बोलोगे सर सैलरी तो ठीक है, और अगर दूसरी प्रोफाइल बन ले तो, जैसे कि आपको बीम के तो प्रोफाइल बनाना हो बीम इंजीनियर की, तो देखिए गाइस बीम इंजीनियर की जो सैलरी हो सकती है वो सैलरी हो सकती है 5.7। कितनी हो सकती है गाइस, 5.7, जिसमें से अप्रोक्स अभी देखिए एस्टिमेटेड है, ये ऊपर नीचे हो सकता है 31 से 32 के बीच के आसपास आप घर ले जा सकते हो सब कुछ कटिंग करने के बाद। ये भी देख रहे हैं कि गाइस यहाँ पर 5.7 लाख आपको ऑन एन एवरेज मिल रहा है, जिसमें मिनिमम इसका लोवेस्ट जो है 2.3 है, जो कि बहुत कम कंपनियां देती हैं, और मैक्सिमम है 8.2, ठीक है। वैसे ये बीम की दूसरी प्रोफाइल है, पहली प्रोफाइल है बीम मॉड्यूलर, वो अलग से मैं दिखाऊंगा, ये प्रोफाइल है बीम मॉड्यूलर के बाद वाली, जो बीम इंजीनियर की प्रोफाइल है, ठीक है जी। इस प्रोफाइल में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्या क्या रेंज सबके लिए है। साथ ही साथ अब देखते हैं गाइस स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए क्या सैलरी का ऑफर हो सकता है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का ऑन एन एवरेज जो सैलरी है गाइस वो 5.9 लाख है। कितना है, 5.9 लाख। आप देख लीजिए साफ साफ यहाँ पे गाइस बीम इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए कितना है 5.7, साइट इंजीनियर के लिए कितना है 3.6, और स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए कितना है गाइस 5.9। ये एवरेज सैलरी है, ये डिफर करेगी 2 लाख से 10 लाख के बीच में। अब डिपेंड करेगा कौन सी लेवल की कंपनी आप क्रैक कर रहे हो इंटरव्यू, उसके हिसाब से आपका आपका पैकेज हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं गाइस पीईवी के लिए। तो पीईवी का जो ऑन एन एवरेज सैलरी है गाइस वो सैलरी है 3.6, क्या है 3.3 इसका पीईवी का एक एवरेज सैलरी है, जिसमें 7.8 भी जा सकता है, 1.4 भी जा सकता है, डिपेंड करेगा आप किस लेवल की कंपनी में काम कर रहे हो। तो मैंने आपको चार प्रोफाइल दिखाया, एक प्रोफाइल मुझे और दिखाना चाहिए क्योंकि बीम इंजीनियर जो है नेक्स्ट लेवल प्रोफाइल है। इससे पहले इस प्रोफाइल का नाम होता है एग्जैक्टली गाइस अगर बात करें तो, ठीक है, बीआईएम मॉड्यूलर, ठीक है, बीआईएम मॉड्यूलर, क्योंकि पहली प्रोफाइल बीम मॉड्यूलर ही है। तो ये ambition.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि हर कंपनी के डाटा को रिसर्च करती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स करती है।
तो देखिए बी मॉडलर की जो एवरेज सैलरी गाइस वो 4.5 लाख है। तो मतलब 4.5 लाख किसका सैलरी है गाइस? बी मॉडलर का सैलरी है। पीवी डिजाइनर की सैलरी आपने देख लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख लिया, बीम इंजीनियर की देख लिया और साइट इंजीनियर की भी आपने सैलरी देख लिया। तो पहला तो मैंने कंपैरिजन आपको प्रॉपर दिखा दिया है। नेक्स्ट जो कंपैरिजन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन सी सर कंपनीज है लगभग वो क्या सैलरी ऑफर कर देती है, तो आइए थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कौन सी सैलरी, कौन सी कंपनी क्या सैलरी ऑफर कर देती है। कैसे ये डिफरेंट सैलरीज है अलग अलग प्रोफाइल के लिए, साइट इंजीनियर के लिए अलग अलग कंपनियों के लिए क्या क्या है इसमें। देखिए साइट में क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट का बंदा अलग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग होता है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप कंपनी वाइज देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जैसे कि देखिए एबीसी कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी है, तो यहाँ पर आपको पूरी कंपनी की लिस्ट मिल जाएगी। देखिए पॉपुलर कंपनीज फॉर साइट इंजीनियर इन इंडिया, ये आपके लिए बहुत बेस्ट काम है, अगर आप इसको यूज करें तो बड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेजर इंटरव्यू का आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगा, डेली सिटी स्कूल का अलग मिल जाएगा, एलएनटी कंस्ट्रक्शन का अलग मिल जाएगा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का अलग मिल जाएगा, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी का अलग मिल जाएगा, लोधा ग्रुप का अलग मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से केईसी इंटरनेशनल, शोभा, मेगा, टाटा प्रोजेक्ट, ये सारी कंपनियां आप यहाँ से लिस्ट करके एक से बढ़ के एक जितनी भी बेस्ट कंपनीज हैं सबके पैकेजेस स्टार्ट और एंड और एवरेज देख सकते हो, सब कंपनी के नाम देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनियां हैं हमारे प्रोफाइल के अंदर, सो दैट इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो उन कंपनियों में डायरेक्ट उनकी कंपनी के मेल आईडी पर, लिंक्डइन के थ्रू इनके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, जैसे बीम इंजीनियर के लिए, तो बीम इंजीनियर के लिए जो बेस्ट कंपनीज है वहां चलते हैं गाइस। तो बेस्ट कंपनी के लिए ambition.com वेबसाइट है गाइस, आपको सब कुछ मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाना चाहूंगा, ठीक है। वहां पर क्या बेसिक स्किल है वो भी देख लीजिए, बेसिक स्किल क्या होना चाहिए, वीआईएम, रैबिट, ऑटोकैड और नेविस्टर के बेसिक स्किल्स है गाइस। और बेस्ट कंपनीज जो है वो कंपनीज आपके सामने है, ठीक है। पॉपुलर कंपनीज न्यूसॉफ्ट है, 5 लाख का पैकेज ऑन एन एवरेज है, कैसेक इंजीनियर्स है, लिवियो बिल्डिंग सिस्टम है, जॉनसन कंट्रोल है, एन सर्किल है, स्लैब इंजीनियर्स है, वी कंस्ट्रक्ट है, डेकन रोज है, ग्लो, ये सारी कंपनियां जो है गाइस, ये सारी कंपनियां आपको ऑन एन एवरेज सैलरी भी दिखा देती हैं अपनी और लोएस्ट और अपर सैलरी भी दिखा देती है, जिससे पता चल जाता है कि कंपनी का क्या बजट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका काम है आप सर्च कर करके सबकी सैलरी देख लीजिए कि इस प्रोफाइल के लिए, मतलब बीम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए कौन सी कंपनी हमें क्या सैलरी ऑफर करती है आपके सामने है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, जो नेक्स्ट प्रोफाइल है स्ट्रक्चर इंजीनियर, इसके लिए जो बेस्ट कंपनीज है वो कौन कौन सी है गाइस, तो नीचे आएंगे आपको पता चल जाएगा इस प्रोफाइल के लिए बेस्ट कंपनी के टॉप स्किल्स फॉर द स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या चाहिए गाइस। स्टेटो आना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए, स्ट्रक्चरल डिजाइन आना चाहिए, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग का, ये सारी जितनी बेस्ट प्रोफाइल आप देख रहे हो, इस प्रोफाइल का परफेक्ट अगर आपको ट्रेनिंग लेना है गाइस, तो हमारा जो यूनिक सिविल का पूरा 4 मंथ का गुरुकुल प्रोग्राम होता है, उस प्रोफाइल के अंदर हम लोग पूरा आपको डेप्थ में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को सिखाते हैं गाइस, जिसमें हम ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे, स्टेटो, ईटैप, सेफ, मैनुअल, एक्सेल, ये सब कुछ डेप्थ में सिखाते हैं। उसके साथ ही साथ रैबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर भी सिखा देते हैं, जिससे कि आप कहीं पर भी रहे स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए परफेक्ट है। इवन अगर आप खुद का भी कुछ वर्क करना चाहते हो तो इसके अंदर में ऑटोकैड से प्लानिंग, स्टेट प्रो, ई टैप्स, मैनुअल, एक्सेल, सेफ और आरसीडीसी से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और रैबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर से मॉडलिंग और डिटेलिंग्स भी आपको सिखा देता हूँ। तो ब्रीफ अगर आप उस कोर्स को जानना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे एक नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस है, क्या क्या सर सिखाते हैं। न्यू बैच अभी एग्जैक्टली स्टार्ट होने वाला है 25 से, तो 25 से न्यू बैच चलेगा, उस बैच के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या बोलते हैं, कोई डाउट रहे तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो, बट ये मेरी गारंटी है कि अगर आप आए तो आपको आईएएस कोड का पूरा नॉलेज, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के सारे टर्म्स का नॉलेज, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पूरा नॉलेज, डेप्थ में पूरी ट्रेनिंग चलती है बहुत ही बेहतरीन। 4 मंथ में आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद के लाइव प्रोजेक्ट ही आपके साथ शेयर करता हूँ, उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर डेली आपको ट्रेनिंग कराता हूँ। इसके लिए बहुत हार्डवर्क भी चाहिए, 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है गाइस, जिसमें से 1.5 घंटा लाइव, 1.5 घंटा रिकॉर्डिंग, 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन, यू नीड टू डू एवरी डे मंडे टू फ्राइडे। अगर आपने कर लिया 4 मंथ में, आप किसी भी कंपनी में जाए, इनमें से जितनी कंपनियों की आप लिस्ट देख रहे हैं, ये मेरी गारंटी है कि जो वहां पर क्वेश्चन पूछेंगे वो हमारे नोट से, हमारे सिलेबस से, हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से ही होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है दिल्ली बिल्डकॉन को क्या चाहिए, जीआर इंफ्रा को क्या चाहिए, मेगा इंजीनियर्स को क्या चाहिए, इनकी कैसे बेसिक जेडीज होती हैं, उन जेडी, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, हर कंपनी की जेडी होता है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जब ट्रेनिंग कराते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ कवर हो जाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर चलिए फिर से आ जाते हैं, यहाँ पर जीआर इंफ्राटेक है, मेगा है, अफोर्डेटिक है, एज इंफ्रा है, पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिनेश लेजेंडर वो है, मैकडोनल इंटरनेशनल है, तो इन कंपनियों में गाइस आपका ऑन एन एवरेज सैलरी भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ये भी मिल जाएगा
क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग पैकेज और एंडिंग पैकेज, तो आप इन कंपनियों के वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए हेल्प ले सकते हैं कि हाँ यार जी यार इन फॉर्म अप्लाई करना है, चलो इसके वेबसाइट पर जाओ और वहां पर जाके वेबसाइट पर अप्लाई कर दो, या तो लिंक्डइन के थ्रू जाओ, इनके एचआर को सर्च करो, इनके एम्प्लॉय को सर्च करो, उनसे एचआर का मेल आईडी लो, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। इस तरीके से अगर आपने किया तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको बहुत हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो पीवी डिजाइन की कौन कौन सी बेस्ट कंपनीज है वो हम लोग देखेंगे। पीवी डिजाइन के लिए अभी एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, किस लोकेशन पर क्या सैलरी मिलती है उसको मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करिए उसके लिए, ठीक है जी। और क्या बोलते हैं, देखिए गाइस यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपको मिल जाएगा कि पीवी के लिए बेसिक स्किल क्या क्या चाहिए, ठीक है। फिलहाल हमारे यूनिक्स विल ऐप में हमने दे रखा है आपको, ठीक है। अब ये देखिए बेस्ट कंपनीज है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, जामिन स्टील बिल्डिंग्स इंडिया, और उसके बाद इन्फिनिटी सिस्टम्स, और उसके बाद फिनिक्स है, उसके बाद स्काईटेक सॉल्यूशंस है। ये जितनी कंपनियां देख रहे हैं आप, ये सभी पीवी के बेस्ट कंपनियां हैं। यहाँ पर सर्च करते चले जाइए, लगभग लगभग 300 कंपनियां हैं जो कि पीवी में वर्क करती हैं। अगर आपकी इच्छा हो इनके यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करिए, इनके एचआर को अप्लाई करिए, इनके एम्प्लॉय से डिस्कस करिए, एम्प्लॉयज को लिंक्डइन पर टैग करिए, हो सकता है अगर कहीं पर भी शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो पीवी में एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट बीम, बीम के लिए भी वही पैकेज, वही सैलरीज है गाइस जो बीम इंजीनियर के लिए, वही बीम मॉड्यूलर के लिए है। आइए देखते हैं, वही कंपनीज रहेंगी क्योंकि क्या बोलते हैं लगभग वही कंपनी ही काम करती है गाइस, ठीक है। ओके तो यहाँ पर देखिए गाइस आरजेडी से बहुत अच्छी एमएनसी है, ठीक है। क्लोब टेक्नोलॉजीज है, हाईटेक टेक्निकल सॉल्यूशन है, पेंडोर इंडस्ट्रीज है, ट्रिगोज टेक्नोलॉजीज है, कंजर्व सॉल्यूशन है, कोवी है, ऐसी कर बहुत बेस्ट बेस्ट कंपनीज है। यहाँ से आप सर्च करते जाइए, सारी कंपनी की लिस्ट आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट तरीके से है, बस इन कंपनी में जाना है, उनके एवरेज सैलरी देख लीजिए, इनके कंपनीज के एम्प्लॉयज से एचआर से लिंक्डइन के थ्रू कॉन्टेक्ट करिए और अपने रिज्यूम को पहुंचा दीजिए। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, अगर आपके रिज्यूम में आपकी पोर्टफोलियो में दम होगा तो बहुत आसानी तरीके से आप इन कंपनीज के अंदर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनी का नाम पता है तो एम्प्लॉयज का नाम तो निकाल ही सकते हैं, एचआर का नाम तो निकाल ही सकते हैं। कॉन्टेक्ट करिए, उनको अपना प्रतिभा दिखाइए, अपना टैलेंट दिखाइए, ठीक है। फिलहाल बीम का भी मेरी कोई बैच नहीं चल रही है, नेक्स्ट मंथ चलेगी तो मैं आपको बता देंगे। स्ट्रक्चर्स की अभी चलने वाली है जो कि 25 से, अगर आपको स्ट्रक्चर में बेस्ट करियर बनाना है, बिलीव करिए हमारा गुरुकुल प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। एज ए स्टूडेंट मैं सोचूं तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा मेरे लिए, बट अब डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्रेन यू, तो मुझे लगता है क्योंकि हम लोग जो उसके अंदर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही यूनिक है गाइस, वो कंपनी के जेडी के अकॉर्डिंग है। एक लास्ट चीज बची हुई जो कि कवर करते हैं गाइस, वो है कि आप किस प्रोफाइल किस लोकेशन पर है और वहां पर क्या सैलरी मिलती होगी। मैं कंपैरिजन करता हूँ बीम का लेके, ठीक है। बीम मॉडलर सैलरी नॉट इन इंडिया, पर्टिकुलर लोकेशन, बीम मॉडलर सैलरी इन मुंबई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं गाइस, बीम मॉडलर सैलरी इन मुंबई। अब देखिए मुंबई के लिए एवरेज सैलरी क्या होगा, बस आप क्लिक करिए, आपको आइडिया लगेगा अच्छा मुंबई की सैलरी क्या है, ठीक है। ये देखिए मुंबई में बीम मॉडलर की सैलरी अभी तक कितना था गाइस, 4.6 था, ठीक है। अभी देखिए बीम मॉडलर के लिए मुंबई में, क्योंकि मुंबई के एक्सपेंस अकॉर्डिंग मुंबई का पैकेज होगा, कितना है गाइस, 5 लाख इसका एवरेज सैलरी है। जितनी भी मुंबई की कंपनियां हैं अगर उनको देखेंगे, जो मुंबई की स्पेशली कंपनियां हैं उनके पैकेजेस भी इसी के अकॉर्डिंग, ये सारी कंपनियां मुंबई की है, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ क्योंकि मेरा दिन भर का यही काम होता है, कंपनियों को जेडी देखना, उनके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये सारी कंपनी कहा कि गाइस मुंबई की है, तो हमने देखा मुंबई का पैकेज कितना है, 5 लाख है। अब मैं इस लोकेशन को चेंज कर देता हूँ बीम मॉडलर की प्रोफाइल के लिए, ठीक है। जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीजें, कि देखिए लोकेशन का कितना डिफेक्ट करता है, बीम मॉडलर सैलरी इन, अब यही चीज मैं पुणे कर दे रहा हूँ, तो मेरा अंदाजा है लोकेशन के अकॉर्डिंग पुणे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम होगा पैकेज, ठीक है। आइए देखते हैं एवरेज सैलरी की बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। देखिए कितना है, 4 लाख है उसी प्रोफाइल के लिए, भी मॉडल की प्रोफाइल के लिए पुणे में क्या सैलरी गाइस, 4 लाख है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, एक लास्ट एग्जाम्पल दिखा देता हूँ बी मॉडुलर के लिए ही गाइस, इस मतलब हर प्रोफाइल में ऐसे होता है, लोकेशन वाइज आपका चेंज हो जाता है। बी मॉडुलर सैलरी इन, चलिए बेंगलोर ले लेते हैं, बेंगलोर में थोड़ा सा ज्यादा होगा पुणे के कंपेयर में। ऐसे ही मैं आपको और निर्देश देखिए कितना है, 5 लाख है।
अब मैं गारंटी से बोलता हूँ कि गुड़गांव का सैलरी अलग होगा, ठीक है। 5 लाख आपका मुंबई का सैलरी है, ठीक है। 5 लाख आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं बैंगलोर के लिए, पुणे के लिए 4 लाख है। लास्ट एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आप समझ गए होंगे डिफरेंस का मतलब। BIM मॉड्यूलर सैलरी इन, चलिए गुरुग्राम का दिखाते हैं। ठीक है, गुड़गांव का सैलरी देखिए आप, बी मॉडलर की सैलरी गुड़गांव में क्या आपको दिख रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिक कि हर जगह पर हर लोकेशन वाइज आपकी सैलरी डिफर करती है। देख लिया आपने 6 लाख। अब मैं गारंटी से बोलता हूँ हैदराबाद का क्या बोलते हैं सैलरी कम है। वैसे मुझे पता है हैदराबाद का लगभग 4.6 के आसपास आना चाहिए। अब इतने रिसर्च में नहीं करूंगा, 4-5 जगह का मैंने आपको दिखा दिया। स्ट्रक्चर का भी ऐसे सैलरी डिफर करता है, तो डिपेंड करता है किस सिटी में है, किस लेवल की कंपनी में है। ऑन एन एवरेज सैलरी का पूरा मैंने ग्राफ दिखाया आपको, बेस्ट कंपनीज के नाम बताया, कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो उसका टेक्निक बताया, और साथ ही साथ आपको बताया कि हर कंपनी हर लोकेशन वाइज सैलरी अलग अलग हो जाती है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे आप जॉब्स के बारे में अपडेट कर दे, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप जॉब्स के बारे में अपडेट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बेस्ट ट्रेनिंग करनी है सर मुझे, तो नीचे एक और व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है जिसमें आप क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बेस्ट ट्रेनिंग का कंप्लीट सोल्यूशन ले सकते हैं। क्या सिलेबस होगा, कैसे प्रिपरेशन होती है, कंप्लीट मैं आपको ब्रीफ में डिस्कस करता हूं। आप चाहे तो वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, होप यू लाइक दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को बिना कमेंट किए ना जाना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मुझे आइडिया लगेगा कि व्हाट यू वांट टू नो। ठीक है, आपने ये पूछा था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, नेक्स्ट पूछोगे तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा। चलिए, होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा।